हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट त्रिपुरी फेस्टिवल पे है। तो सबसे पहले हैप्पी गरिया पूजा टू ऑल ऑफ यू। और ये जो वीडियो है जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ अभी, इसमें जो है दिखाया हुआ है कि पूजा में क्या क्या होता है, कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी पर ये है। और इसकी टाइटल में भी है लिखा हुआ बाबा गरिया टी 2021, बीवा गोनांग बाबा गरिया जमातिया हुड्डा, और बाबा गरिया वर्शिप जमातिया हुड्डा 2021। सो ये इसके पूरे टाइटल में है। बाकी हम देखते हैं कि इस पूरे वीडियो में क्या है और लोग उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस बहुत ही ऑस्पिशियस और बड़े फेस्टिवल के, मतलब बड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है त्रिपुरा में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हमारी ऐसी आपको टाइम से लेके आते हैं। आपको ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा और वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 बाबा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार किया जाएगा। सामने उनका से वो फेस है और पीछे उनका जो है बनाया हुआ और नीचे जो है बॉडी, मतलब ये सारा पूरा स्ट्रक्चर जो है बाबा गरिया को रिप्रेजेंट वो करता है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है वीडियो देख के। बाकी आप बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं। ये व्हाइट स्वीट क्या है? चावल बहुत बारीक है, पिसा हुआ चावल है क्या? आटा तो नहीं लग रहा है, क्या पता आटा ही हो। दुर्गा पूजा में होता है ना वो वो कैसे बोलते हो, हमने दुर्गा पूजा की कुछ वीडियोस में देखा है तो यहाँ भी हो रहा।
कर लगा रहे परिक्रमा के ऐसा परिक्रमा में भी जो चक्कर लगाया ओके सो इतनी सी वीडियो थी और वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी इस फेस्टिवल के बारे में, पर जितना भी जो देखा वो काफ़ी सही था, उससे काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है फेस्टिवल को जो है कैसे मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 10 दिन का होता है शायद, मतलब मैं जगह कन्फर्म नहीं हूँ, पर इतना पता है कि 1 दिन का नहीं होता, 1 से ज़्यादा दिनों का ये होता है। और
ये जो फेस्टिवल है ये मतलब सुख शांति के लिए जो है किया जाता है, कि अपने घर में सब कुछ सही सही रहे। और आज पता नहीं कल की ना न्यूज़ में भी था इसके बारे में कुछ आया, तो ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वैसाख का अभी जो है वैसाखी आई ना यहाँ पर, तो वैसाख के बाद ही होता है शुरू, और कुछ कुछ जो है गणेश पूजा के जैसा ही है। यहाँ पर जो है नॉर्थ और बाकी हिस्सों में गणेश पूजा जो है की जाती है, क्योंकि नया साल शुरू हो गया हमारा। अगर हम हिंदू जो है कैलेंडर की बात करें, तो हिंदू जो है कैलेंडर जो है वो उसके हिसाब से नया साल हमारा शुरू हो चुका है, और ये 2078 ईयर अब शुरू हो गया है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। और तो इंडिया के बहुत से जगहों में जो है गणेश पूजा होती है, और त्रिपुरा में होती है गड़िया पूजा, तो अलग अलग जाके अलग अलग रिचुअल है। तो ये वाला फेस्टिवल देख के भी जो है मालूम पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंस ये रखता है त्रिपुरा के लोगों के लिए। चलिए फेस्टिवल बहुत सही था। बाकी अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन इस फेस्टिवल के बारे में शेयर करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसकी भी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी हुई और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई इस फेस्टिवल के लिए, उसकी उसके जो है कमेंट को मैं वो पिन कर दूंगा, ताकि कोई और भी आए नया बंदा तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है मतलब वो पढ़ के उसे थोड़ी और ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो इस फेस्टिवल के बारे में। तो प्लीज़ अपनी नॉलेज टू यूज शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, कि क्या है फेस्टिवल, क्यों मनाया जाता है, और क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है। जो भी अच्छे से कमेंट सेक्शन में ये जो है बताएगा, उसकी उसके कमेंट को मैं जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश पूजा टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।